हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज एक मसीह के मुंह से खासकर ज्यादातर यही सुना जा रहा है कि ब्रदर जी, मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी पाप हो जाता है। कैसे हो जाता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हो जाता है। देखिए, अगर आप बाइबल पढ़ोगे नहीं, प्रार्थना करोगे नहीं, तो तुम कैसे पाप से बाहर निकल पाओगे? कैसे शैतान को वचन से हरा पाओगे? जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे, खुद प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक आप पाप से बाहर नहीं निकल पाओगे, तब तक आप शैतान को नहीं हरा पाओगे किसी भी तरीके से। अभी समय है, लौट आओ, छोड़ दो गंदी लतें। जैसे प्रकाशित हुआ किसी अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे से उनके प्राणों को देख जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। परमेश्वर के वचन के कारण और जो विश्वास योग्य और धर्मी हैं, समय रहते हुए अभी भी यीशु के पास लौट आओ। अभी समय भी वक्त है। समय रहते हुए अगर अभी भी आप यीशु के पास लौटकर नहीं आए, तो समझ लेना आपका बहुत बुरा हाल होगा। थोड़ी सी मजा और अनंत काल की सजा दी जाएगी। बहुत तड़पाएगा परमेश्वर, हमेशा हमेशा के लिए उसको नरक में डाला जाएगा। याद रखना, जो आप अभी भी समय अपना बर्बाद कर रहे हो, वो भी चार में गलत कामों में, यही आपको एक दिन अनंत काल की आग में लेकर चली जाएगी। यही मस्ती नरक में लेकर चली जाएगी। अगर एक बार उस नरक में चले गए, न वहाँ कभी आग बुझेगी और न वहाँ कभी कीड़े मरेंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसको डाला जाएगा। बहुत तड़पाएगा परमेश्वर उसको। अभी समय है, बचा लो अपने को नरक जाने से। मेरे प्रियो, समय रहते हुए गिड़गिड़ाते हुए यीशु मसीह के पास लौट आओ, परमेश्वर को माफ कर देगा, परमेश्वर को माफ कर देगा। समय रहते हुए अपने पापों से मन फिरा लो, समय रहते हुए यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। इसलिए अपने आप को जांचो परखो कि आपके अंदर यीशु मसीह है या नहीं है। अभी आप पापों में और घिनौने कामों में लिपित हो और बाद में नरक में हमेशा हमेशा के लिए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता है और ना आग बुझती है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। उन लोगों को यहां डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा, न्याय करके, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है, जहां की आग कभी नहीं बुझती है, जहां पर उन लोगों को डाला जाएगा। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है 16 अध्याय के 23 और 24 वचन में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए बंदी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को मेरे पास भेज दे, वह अपनी उंगली का सीरा भिगोकर मेरी जीभ को पानी से ठंडी करे, क्योंकि मेरी जीभ इस ज्वाला में तड़प रही है। जैसे धनवान उस ज्वाला में एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, वैसा ही जो व्यक्ति उसमें डाला जाएगा, वह एक बूंद पानी के लिए तड़पेगा। बहुत हार्ड आग होगी वहाँ की, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है। मेरे प्रियो, दूसरा तिस्लुनिकियों 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ऐसा मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय के 46 वचन में लिखा हुआ है, और यह अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी जीवन में प्रवेश करेंगे। दुष्ट लोगों को अनंत दंड दिया जाएगा, अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी लोग स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएंगे। तो अनंत काल का दंड देगा, वे लोग अनंत काल के लिए तड़पाए जाएंगे, जहां का धुआं युगानुयुग उड़ता रहता है। जैसे प्रकाशित हुआ कि 20 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वह एक ऐसा स्थान है जहां दुष्ट लोग रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, वहां चैन नहीं मिलेगा। नरक एक ऐसा स्थान है जहां दुष्ट लोग हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। गुड लक।